नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले कई पॉडकास्ट से हम अनंत श्री से बातचीत कर रहे हैं उन विषयों पर जिन विषयों पर एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और अनंत श्री लगातार पॉडकास्ट से हमें उस क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम उस विषय पर अनंत श्री से बातचीत करेंगे जिस विषय पर एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और उस विषय पर यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। और कई बाबा लोग जो बहुत बड़े बड़े उनके चैनल्स हैं, वो उन लोग के थ्रू भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, और एक भीड़ का हिस्सा उस तरफ भी बढ़ रहा है। तो हम अनंत श्री से धीरे धीरे उन सारे चीज़ों पे एक क्लैरिटी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी मित्र चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। अनंत श्री, लगातार पिछले कई पॉडकास्ट से आप उस क्लैरिटी की तरफ हम लोग को ले जा रहे हैं, जो जैसा कि मैंने बोला कि मीडिया के थ्रू उस पर बहुत सारे भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, और आपका समझाना मुझे लग रहा है कारगर भी है, लोग समझ भी रहे हैं, उस तरीके से लोग रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। आज का जो छोटे छोटे विषय हैं अनंत श्री, उस पर हालांकि आपने बोला है, लेकिन मैं एक नए तरीके से क्लैरिटी चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे, या जैसे पहले गाँव में लोग थे तो वो तो पहले से ही इस चीज़ को मानते थे, काला जादू, और आजकल पढ़े लिखे लोग का जो एक वर्ग है वो भी इस तरफ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया भी इसका एक जरिया बन सकता है, और बड़े बड़े जो गुरु हैं वो लोग इस चीज़ को फैला भी रहे हैं। तो काला जादू क्या है अनंत श्री, और इसका लोग मेथड भी यूज़ करते हैं? कोई गुड्डे गुड्डी का यूज़ करता है, कोई लौंग इलायची कुछ करके रोड पर रख देता है, कोई किसी के ऊपर कुछ कर देता है, तो है क्या ये, मतलब वो पूरा काला जादू का वातावरण ये फैला कैसे? ये देखा जाए दुखद वातावरण है। सोशल मीडिया के प्रसार से हम लोग एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर उन बातों को फिर से जिंदा किया जा रहा है जो आज से 20-25 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, या ख़त्म होने की तरफ थी करीब करीब। लेकिन सोशल मीडिया पर नियंत्रण तो किसी का नहीं है, कोई भी कुछ भी डाल सकता है, कोई भी बात कह सकता है, और हर तरफ घूम जाती है। तो ये ब्लैक मैजिक जैसी, काला जादू जैसी चीज़ें ये उसी सोर्स से आती हैं। और सबसे इसमें जो दुखद और ख़तरनाक है कि अनपढ़ लोगों को छोड़कर अब पढ़े लिखे लोग इसमें कूद गए हैं, नई शब्दावलियों के साथ कूद गए हैं। तो पहले उनकी शब्दावली को हम देखें, फिर इसको हम समझें कि क्या है। समझाएंगे ये लोग ऐसे कि देखो, एक होता है वाइट मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक, और ज़िंदगी में हर चीज़ तो दो में टूटती है, दिन है तो रात भी होती है, सफ़ेद है तो काला भी होता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होता है, लॉजिकल लगता है, रेशनल लगता है। जैसे भगवान है तो भूत भी होता है, ऐसे लोग हाँ, वहीं पर बात घूम कर आ जाएगी ना कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी होगा। सुनने में बात बड़ी साइंटिफिक लगेगी, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा, और फिर वो कहेंगे कि इसी तरह से अगर अच्छी भावनाओं का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है तो बुरी भावनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन वो एक बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं करते हैं, जो भावनाओं का प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत, मैं अच्छी भावनाएं रखूंगा तो मैं बदलूंगा, मैं बुरी भावनाएं रखूंगा तो मेरा जीवन बुरे रास्ते की तरफ जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में लाख अच्छी भावनाएं रखूं, तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बारे में लाख बुरी भावनाएं रखूं, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बातें नहीं कहीं पर लागू होती। फिर इसमें दूसरा शब्द आ जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा निकलती है और जाती है। ये ऊर्जा जो है ना, ये बड़ा भ्रामक और बड़ा ही लुभावना शब्द है। कहाँ से क्या निकलता है, कहाँ क्या पहुँचता है, कोई नहीं जानता। ये कहीं तक आज तक किसी को दिखा नहीं, पहुँचता भी नहीं। जो चीज़ पहुँचती है घूम फिर कर, वो है हमारी ही व्यक्तिगत भावनाएं। अगर व्यक्तिगत भावनाएं ही हमारी सर्वोपरि हैं तो हमको अपने व्यक्तिगत जीवन पर ही काम करना है। एक बात कभी सोच कर देखो, अगर बुद्धा से किसी ने अंतिम समय पूछ लिया कि आप अपनी शिक्षाओं का सार हमको बताइए,
तो कहते हैं उन्होंने दो बातें बोली, दो में से एक तो बहुत पॉपुलर है और एक को मैं अक्सर बोलता हूँ। सर्वाधिक पॉपुलर जो है, प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप दीपो भव। और दूसरी उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ बनती हैं, घटनाएँ घटती हैं, कृत्य होते हैं, करने वाला कोई नहीं। अर्थात अस्तित्वगत प्रवाह में एक जोड़ के साथ, एक इंटीग्रिटी के साथ सब कुछ हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली जब कोई कर नहीं रहा है, कोई करता नहीं है, तो कौन काला करेगा, कौन सफ़ेद करेगा, कौन पीला करेगा, कौन नीला करेगा, कर्तापन खत्म हो गया। तो बुद्ध जैसे लोग, मैं उनको कहता हूँ वो अध्यात्म जगत के आइंस्टीन हैं, एक बात भी जब बोलेंगे तो सटीक। अगर सार पूछा किसी ने तो उन्होंने सार ही बता दिया, यही सार है, अपना प्रकाश स्वयं बनो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि लौट कर आपको अपने ऊपर ही आना है। तो ये जितनी बातें ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में या इन सब चीज़ों में, ये निहायत मानसिक उलझाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसको वो टर्मिनोलॉजीज में उलझाते जाएंगे, उलझाते जाएंगे।